नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि जो चार पिन का जो रिले रहता है उसको कैसे चेक करेंगे और उसका सप्लाई कैसे चेक करेंगे। दोस्तों अपन आज मैं मैनुअल तरीके से बताता हूँ कि कैसे चेक करने का। अभी अपने पास मल्टीमीटर नहीं है और अपने को चेक करने का है तो कैसे चेक करेंगे। और रिले, तो रिले ये बहुत सारी जगह पे लगा रहते हैं, जैसे कि हेडलाइट है, पावर विंडो रिले है, एसी रिले है, हेडलाइट रिले है, एबीएस रिले है, फैन मोटर है, कंट्रोल सेंट्रल लॉकिंग वाला है, ब्लोअर मोटर का है, हॉर्न का है, कभी कभी एक्स्ट्रा रिले भी लगाना पड़ता है। तो दोस्तों वो रिले का पहली बात काम क्या है, रिले काम कैसा करता है। रिले एक स्विच है, जैसे कि अपने गाड़ी का लाइट का स्विच रहता है, अपन लाइट स्विच ऑन करते हैं तो ऑन हो जाता है लाइट, स्विच बंद करते हैं तो स्विच बंद हो जाता है। तो वैसे ही ये रिले वो टाइप में ही काम करता है। और दूसरी बात, इसका फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि ये जो अंदर जो 12 वोल्ट करंट, इसमें जो 12 वोल्ट करंट आता है वो पूरा करके आगे भेजता है और आगे भेजता है। और उसमें और एक फ़ायदा है कि जैसा ये कटआउट के टाइप में काम करता है, तो जैसे कि क्या करता है, जब भी कुछ जो हेडलाइट का रिले है तो उसके अंदर है ना, हेडलाइट चालू करते हैं तो उसके अंदर, फैन चालू करते हैं तो उसमें अंदर हीट जमा होती है, तो ये हीट है ना खुद में कंज्यूम करता है और आगे वाले पार्ट को या वायर को डैमेज होने नहीं देता है। तो ये हीट भी ऑब्जर्व कर लेता है और 12 वोल्ट करंट पूरा करके फिर वो आगे भेजता है। तो ये ऐसा जो दो फ़ायदा है इसका। और उसके अंदर जो समझो ये रिले, तो जो रिले जिसमें लगती है, अभी जो ये चार पॉइंट वाला रिले है तो चार पॉइंट जहाँ पे लगता है उसमें क्या सप्लाई आता है और ये रिले क्यों ख़राब होते हैं। तो दोस्तों रिले का ख़राब होने का वजह है, एक तो ये पिन के ऊपर उसका रस्ट आता है, रस्ट आएगा तो कांटेक्ट बराबर नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से रिले ऑपरेट नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है, इसके अंदर पानी गया है, ये सर्किट के अंदर समझो पानी गया है, ये खोला हुआ रिले है मेरे पास, इसके अंदर समझो पानी गया है तो भी ये रिले काम नहीं करेगा। तीसरी बात कि इसके अंदर चिट्टी गई है, अंदर बहुत सारा चिट्टी गया, अंडा भी अंदर बना लिया है और ये ऊपर से दिखता नहीं, अंदर चिट्टी घुस जाती है तो भी ये फिर रिले का फंक्शन बराबर काम नहीं करेगा। और चौथा है कि ये इंटरनल भी शॉर्ट रहेगा, अंदर ख़राब रहेगा तो भी ये काम नहीं करेगा। तो ये ख़राब क्यों होता है वो बताया, अभी आपको बताऊंगा कि इसके अंदर है ना सप्लाई कैसा रहता है। तो दोस्तों इसके अंदर, इसमें ये 30, 87, 85, 86 चार पॉइंट है। तो चार पॉइंट में आपको 30 में डायरेक्ट मेन आएगा, 87 में इससे बाहर निकलेगा करंट आउट वाला है, और 85, 86 ये एक इग्निशन स्विच का करंट है और एक आर्थिंग है। तो दोस्तों इसमें जब भी ये 85 और 86 ये 85 और 86 में जब भी 12 वोल्ट करंट आएगा, इसके अंदर 12 वोल्ट करंट आएगा, इसके ऊपर आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर जो 85 और 86 में 12 वोल्ट करंट आएगा, इसके अंदर मैग्नेट जनरेट होएगा, इसके वजह से इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, इसके अंदर आपको दिखाई देता है तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस से डायरेक्ट
करंट फ्लो होएगा, जैसे भी 85 86, इसमें प्लस माइनस आ जाएगा, तो इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है जो आपको दिखाई देगा, इसके अंदर एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होएगा। जैसे ही करंट फ्लो हो जाएगा इसके अंदर, तो ये एक दूसरे में कनेक्ट हो जाएंगे, और ये जैसे ही कनेक्ट हो जाते हैं तो इसमें जो 30 में डायरेक्ट मेन है, और ये 87 है उसमें से, ये यहाँ पे जो पिन इसमें दिया है उसमें से ये इसमें कनेक्ट, जैसे भी इसमें करंट आ गया तो ये इसके ऊपर टच हो जाएगा, और टच होने के बाद यहाँ से डायरेक्ट ये दोनों डायरेक्ट हो जाएंगे, और डायरेक्ट होने से उसमें जो 87 से जो करंट है ना वो बाहर निकलेगा। मतलब कहाँ पे भी देने का है, हेल्टर फैन को देने का है, हेडलाइट को देने का है, और भी कोई जगह पे देने का है, तो कोई भी जगह पे अपन यहाँ से दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका अभी एक और उसको चेक कैसा करने का, जो मैं जैसा चेक करता हूँ मैनुअल तरीके से, जिससे आज तक मेरे को मतलब कुछ सब काम अपना सक्सेस हो गया है, वो मैनुअल तरीका है लेकिन काम बढ़िया हो जाता है। तो दोस्तों पहली बात तो ये रिले में पहला अपन ऐसे ही सप्लाई चेक करेंगे कि इसमें ये काम कर रहा है क्या नहीं, ये कॉइल काम कर रहा है क्या नहीं उसका। तो दोस्तों ये आपको बताया मैंने, ये 85 है, 86 है, 85 माइनस है, 85 में इग्निशन का करंट है पॉजिटिव, और ये 30 है, और ये 87 है। तो 30 में डायरेक्ट मेन रहता है, और ये 87 से ये जैसे भी दोनों कनेक्ट हो जाते हैं तो ये आपस में डायरेक्ट, ये 85 86 में डायरेक्ट मेन और अर्थिंग आ जाएगा, तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस रहता है, वो रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होके ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद जैसे ही कनेक्ट हो जाते हैं तो इसमें से ये दोनों डायरेक्ट हो जाएंगे, 87 डायरेक्ट हो जाएंगे, तो 87 से करंट बाहर निकलेगा, जो आउट है जहाँ पे अपने को देने का है वैसा। तो दोस्तों पहला अपन देखेंगे कि जो 85 और जो 86 ये जो मेन और अर्थिंग ये काम कर रहा है क्या। तो ये समझो मैंने इसके ऊपर, मैंने ये जो 86 है तो मैंने इसको इधर टच कर दिया, 86 को टच किया, और ये ना 86 को टच किया, और 85 के ऊपर मैंने वायर रखा और उसको मैंने यहाँ पे चेक किया, तो इस पर एक आवाज़ आएगा, ये देखो पिन ऑपरेट हो रहा है, 30 और 87 टच हो रहा है इसमें आपस में डायरेक्ट हो रहा है। तो ये हो रहा है मतलब ये कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है इसके अंदर। तो दोस्तों ये तो आधा आधा अपन ने चेक किया, अभी इसमें से और ये डायरेक्ट होने के बाद यहाँ से सप्लाई जाता है या नहीं बाहर, वो भी अपने को चेक करने का है। अपन ने 85 और 86 प्लस माइनस चेक करके अपन ने कंफर्म किया कि रिले टक टक कर रहा है, मतलब ये रिले काम कर रहा है, लेकिन रिले काम कर रहा है लेकिन ये जो 30 और 87 डायरेक्ट होके इसमें से जो 87 से करंट जो बाहर निकलता है रिले के लिए, जो भी कंपोनेंट में डालने करने का है, मतलब जैसे कि फ़ैन है और ब्लोअर मोटर का रिले है, तो ऐसे कोई इसमें सप्लाई उस वो काम कर रहा है क्या नहीं, वो भी अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पहली बात तो अपन ने गाड़ी के अंदर का सप्लाई चेक करने का कि उसके अंदर डायरेक्ट मेन जो ये चार वायर लगती है उसमें से अपने को पहला चेक करने का कि 30 में डायरेक्ट मेन आ रहा है क्या, और इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद में 86 में इग्निशन का करंट आ रहा है क्या, मतलब दूसरा मेन इग्निशन स्विच से करंट आ रहा है क्या देखने का। 30 में डायरेक्ट मेन है, 86 में
इग्निशन स्विच का करंट आ रहा है क्या देखने का, और अर्थिंग वो जो कंपोनेंट के हिसाब से जहाँ पे बॉडी को अर्थिंग रहता है या फिर कोई पार्ट को अर्थिंग रहता है वो, तो अर्थिंग आ रहा है क्या देखने का। और अर्थिंग के बाद में है ना ये समझो दो मेन 30 और 86 दो मेन और ये 85 अर्थिंग, ये तीन चीज़ आ रहा है, ये तीन चीज़ उसमें कंफर्म होएगा। और जो चौथा जा रहा है क्या नहीं वो अपने को रिले पे कंफर्म करना पड़ेगा कि ये रिले काम कर रहा है क्या नहीं। तो दोस्तों ये कैसा चेक करेंगे, तो दोस्तों मैंने उसका लिया है ना तीन वायर लिया है और एक टेस्टिंग बल्ब लिया है। तो दोस्तों इसमें आपको जैसा बताया मैंने कि 30 में डायरेक्ट मेन है, 86 में इग्निशन स्विच का करंट है, मतलब ये दो मेन है, और ये 85 में अर्थिंग है, और 87 में बाहर निकलने वाला करंट है। वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ, 30 में डायरेक्ट मेन है, 30 में डायरेक्ट मेन है, 30 में डायरेक्ट मेन है, इसमें इग्निशन स्विच का करंट है, मतलब दूसरा मेन हो गया, और इसमें अर्थिंग है, 85 में अर्थिंग है, और जो ये जो 87 है वो 87 आपको ये यहाँ से करंट जो भी कंपोनेंट है, फैन मोटर है, ब्लोअर मोटर है, जैसे भी कोई जहाँ पे भी ये रिले लगाने का है उसमें वो जा रहा है क्या सप्लाई। तो दोस्तों उसमें तो एक कंफर्म हो गया कि उसमें दो मेन और एक अर्थिंग आना चाहिए। तो पहला अपन देखेंगे कि दो मेन और एक अर्थिंग आ रहा है। तो मैंने इसमें ये मेन डायरेक्ट मेन है, ये 87 ये डायरेक्ट मेन है, ये 86 इग्निशन स्विच का करंट है, ये दोनों को अपन आपस में मिलाएंगे। ये मैंने दोनों को आपस में मिला दिया, दो मेन को मैंने एक साथ में कर दिया चेक करने के लिए, 30 का डायरेक्ट मेन और ये इग्निशन स्विच का 86, दो मेन को मैंने डायरेक्ट कर दिया। अभी दोस्तों इसका जो अर्थिंग है, इसका जो अर्थिंग है यह वाला, ये अर्थिंग को अपन अलग से रखेंगे, दोस्तों इसको 30 डायरेक्ट मेन है, 86 इग्निशन स्विच का करंट है, मतलब दो मेन मैंने एक साथ एक वायर में ज्वाइन कर दिया, और अर्थिंग मैंने उसका ये सेपरेट कर दिया। अभी दोस्तों आप ये समझो कि ये है फैन मोटर है, ये ये अपना टेस्टिंग बल्ब है, लेकिन ये किधर भी लगेगा, फैन मोटर लगेगा, ब्लोअर मोटर लगेगा, तो वहाँ पे सप्लाई अपने को उधर इसका 87 का जो ये अपन डायरेक्ट दो मेन करेंगे अर्थिंग करेंगे, तो इसमें से ये सप्लाई जैसा भी ये बाहर निकलता है 87 से वो निकल रहा है क्या नहीं, मतलब ये रिले कन्फर्म है क्या नहीं, ओके वो अपन चेक करेंगे। और अपन तीसरा वायर है ना उसका एक इसमें एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे एक बल्ब में, टेस्टिंग बल्ब में कनेक्ट कर दिया, और इसको अपन ये पहला तो मैंने इसको डायरेक्ट मेन कर देता हूँ, ये पॉजिटिव है,
ये मैंने 30 और 86 दो मेन डायरेक्ट कर दिया है ये इसमें, और ये जो 85 है उसको मैं अपन डायरेक्ट ग्राउंड दे देते। ये ग्राउंड दिया, ग्राउंड देने के बाद ये जो बल्ब है बल्ब को मैंने एक ग्राउंड में लगा दिया। और एक 87 में लगा दिया। जैसे भी 87 में लगा दिया तो जैसे भी 30 और 86 ये दोनों मेन डायरेक्ट कर दिया इसमें, ये साइड में 30 और 86 मैंने डायरेक्ट मेन कर दिया, 85 को डायरेक्ट ग्राउंड दिया, और ये जो बाहर निकलने वाली करंट है उसको मैंने अर्थिंग में लगा दिया। तो जैसे भी मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो ये बल्ब जलना चाहिए। अब ये बल्ब जलता है इट मीन्स अपना रिले ओके है, और बल्ब नहीं जलता है तो इसका मतलब है कि अपना रिले ख़राब है। तो आपको मैं टच करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने टच किया ये लाइट लग गया। एक बार दिखाता हूँ, ये टच किया 87 को बल्ब जल गया, मतलब अपना रिले ओके है। तो आपको समझो कोई भी गाड़ी हो तो कोई भी गाड़ी रहने दो, रिले दिखने में अलग रहेंगे अलग अलग टाइप के, लेकिन उनका फंक्शन एक ही रहता है। तो आप कोई भी मतलब 800 भी रहने दो, नहीं तो फिर फरारी भी रहने दो, आपको समझो ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि इसका फंडा कैसा रहता है चेक करने का। तो आप कोई भी गाड़ी का रिले आप चेक कर सकते हैं, और रिले चेक करेंगे उसके बाद आपको भी आइडिया आ जाएगा कि आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है या फिर उधर ही काम क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों और एक बार रिपीट करता हूँ आपको मैं कि मैंने इसके अंदर चार सप्लाई है, उसमें 30 नंबर है वो डायरेक्ट मेन है, 85 86 ये 85 86 और 87 जो 30 है वो डायरेक्ट मेन रहता है, 86 है वो इग्निशन स्विच का करंट रहता है, और जो 85 है वो ग्राउंड रहता है। 85 ग्राउंड है, 86 इग्निशन स्विच का करंट है, 30 डायरेक्ट मेन है, और ये 87 है यहाँ से निकलने वाला करंट। मतलब 85 और 86 जब भी उसमें मेन और अर्थिंग आएगा तो उसके अंदर जो रेजिस्टेंस रहता है वो रेजिस्टेंस एक दूसरे जैसे भी इसमें से रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो हो जाएगा। करंट फ्लो होने के बाद में जैसा भी ये दोनों एक दूसरे में कनेक्ट हो गए तो कनेक्ट होने के बाद 30 में तो डायरेक्ट करंट रहता है और 87 में तो बाहर निकलने वाला करंट रहता है। तो जैसा ही उसमें जैसा भी ये 35 86 में दोनों में मेन और अर्थिंग आ गया, तो मेन और अर्थिंग आने के बाद में इसमें से जहाँ पे यहाँ पे ये पिन दिख रहा है जैसे अप डाउन हो रहा है ये, तो यहाँ से ये 30 में ये रहता है डायरेक्ट मेन रहता है और 87 उसमें टच हो जाता है। तो यहाँ पे 30 और 87 जैसे ही एक दूसरे में डायरेक्ट हो जाएंगे तो 87 से करंट बाहर निकलेगा, जो भी जहाँ पे भी जाने का है तो वहाँ पे जाएगा। तो आपको मैंने उसका बेसिक मैनुअली फंडा बता दिया है कि कैसा चेक करने का, जो मैं वो सिस्टम से चेक करता हूँ कि मैंने आपको बेसिक बताया कि 30 डायरेक्ट मेन है, 86 उसका इग्निशन स्विच का करंट है, 85 उसका अर्थिंग है, और 87 आउट यहाँ से एक दो कनेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ से बाहर निकलने वाला करंट 87 में जाएगा। तो मैंने 30 और 86 मतलब डायरेक्ट मेन और इग्निशन स्विच का मेन दोनों को एक साथ में आपस में जॉइन किया और ये डायरेक्ट उसको मेन दे दिया,
अर्थिंग को मैंने एक वायर देके उधर डायरेक्ट अर्थिंग दे दिया, और जो बाहर निकलने वाला करंट है वो अपने को चेक करने का है उस, तो उसको मैंने अर्थिंग अर्थिंग निकल रहा है कि नहीं, वो जैसे भी दूसरे एक 85-86 में करंट आ जाएगा डायरेक्ट मेन और अर्थिंग, तो 30 और 87 डायरेक्ट हो जाएंगे। तो 30 और 87 डायरेक्ट होके ये रिले काम कर रहा है क्या नहीं, तो अपन 87 को इसको ऐसा टच करेंगे, जैसे भी टच करेंगे तो ये बल्ब जलेगा, तो बल्ब जलेगा इट मीन्स अपना रिले ओके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन समझ में आया रहेगा, और समझ में आया रहेगा तो उसको एक लाइक कर दो। धन्यवाद दोस्तों।